दोस्तों विंटर सीज़न स्टार्ट हो चुका है और यदि आप इस कड़कड़ाती ठंड से बचना चाहते हैं तो इस रेमेडी को ज़रूर पिएं। यह आपको सर्दी खांसी जुकाम से तो बचाएगा लेकिन साथ ही आपकी बॉडी को फुल एनर्जेटिक रखेगा, आपको बिल्कुल भी कमज़ोरी नहीं आने देगा और बॉडी फुल ताजगी से भरपूर रहेगी। आप ताजगी के लिए चाय तो पीते होंगे दोस्तों, लेकिन चाय आप जानते हुए भी कि हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती तब भी आप पीते हैं। खाली पेट चाय तो पीना बिल्कुल बेकार होता है, पॉइजन से कम नहीं होता है, बल्कि आप इसकी जगह ये मिल्क को पीकर देखें और आप चाय को तो इसके सामने बिल्कुल भूल जाएंगे। तो इसको बनाने के लिए एक कप पानी ले लेंगे और इसमें अदरक डालते हैं। अदरक हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, अदरक में सर्दी खांसी जुकाम को तो दूर करने की शक्ति होती है। अदरक में बहुत से पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि बहुत फ़ायदेमंद होते हैं हमारे हेल्थ के लिए। अदरक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक जैसे ज़रूरी तत्व पाए जाते हैं दोस्तों। अब इसमें तुलसी पत्ता मिला देते हैं, थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे। तुलसी पत्ता में एंटीबैक्टीरियल तत्व पाए जाते हैं, इसमें पाए जाने वाले एसिड से पाचन संबंधी परेशानियाँ दूर होती हैं। यह रेमेडी बच्चे, बूढ़े, बड़े सभी पी सकते हैं दोस्तों, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। और कोशिश करें कि आप ठंड में तो इसको डेली पिएं, बच्चे को भी दें। इसमें पानी थोड़ी कम लग रहा था, मेरे यहाँ गेस्ट आ गए थे तो थोड़ा सा पानी इसमें और भी ऐड कर दिया है। 6 से 7 काली मिर्च ले लिया है, काली मिर्च को थोड़ा सा दरदरा कूटेंगे, बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं करना है और ताज़ा ही काली मिर्च डालेंगे। यह सर्दी खांसी जुकाम से तो बचाएगा लेकिन गले से संबंधी सारी समस्याओं को दूर करता है। काली मिर्च आपको वायरस और बैक्टीरिया की चपेट में आने से बचाता है और दूध के साथ काली मिर्च लेते हैं तो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो यहाँ पर 2 कप गर्म दूध मिला देते हैं, चाहे तो आप नॉर्मल दूध भी डाल सकते हैं दोस्तों। ज़्यादा दूध डालते हैं तो इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और एक बात का ध्यान रखें, जैसे ठंडा दूध उबल रहा है उसके ऊपर से कभी भी अदरक को कद्दूकस करके ना डालें, क्योंकि ठंडे दूध में यदि आप अदरक को डालेंगे ऊपर से तो तुरंत ही दूध फट जाता है। तो इसलिए हमने पहले ही अदरक को उबाल लिया है। इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देते हैं, चाहे तो आप थोड़ा सा हल्दी पाउडर और डाल सकते हैं दोस्तों। इसमें स्वाद अनुसार गुड़ डाल देंगे, गुड़ हेल्थ के लिए अच्छा होता है और गर्म भी होता है। तो इस तरीके से आप मिल्क बनाएंगे, आयुर्वेदिक मिल्क, तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। मिल्क और हल्दी पाउडर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। मिल्क में कैल्शियम होता है जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। इस तरीके से यदि आप दूध पीते हैं दोस्तों तो आपकी हड्डियाँ मजबूत होगी, हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। यदि आप काम करते करते थक जाते हैं, थकान महसूस हो रही है, जोड़ों में दर्द हो रहा है तो आप इस मिल्क को पियेंगे तो आपको बहुत राहत मिलेगा। पीरियड के समय महिलाओं को क्रैम्प्स आते हैं तो उस समय आप इस मिल्क को पियेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा और आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, आपकी पूरी थकान दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें।